हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप सब अच्छे होंगे। मैं अदिति तक्यार आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल के अंदर। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। आज का हमारा टॉपिक है कॉफिशेंट ऑफ डिटर्मिनेशन एंड स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट एंड रिग्रेशन। रिग्रेशन के अंदर एक हमारा टॉपिक आता है कॉफिशेंट ऑफ डिटर्मिनेशन का और स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट का। तो आज हम ये जो टॉपिक है इसको डिस्कस आउट करेंगे और देखते हैं कि क्या है इसके अंदर। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। अब देखिए, कॉफिशेंट ऑफ डिटर्मिनेशन होता क्या है? बेसिकली जो कॉफिशेंट ऑफ डिटर्मिनेशन है, एक इम्पॉर्टेंट स्टैटिस्टिकल मेजर है रिग्रेशन एनालिसिस के अंदर। और बेसिकली ये क्या एक्सप्लेन करता है कि परसेंटेज वेरिएशन एंड डिपेंडेंट वेरिएबल दैट आर कॉज ड्यू टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। देखिए, इसके अंदर ये हमें वेरिएशन वेरिएबिलिटी को डिस्क्राइब करता है कॉफिशेंट ऑफ डिटर्मिनेशन। जो कॉफिशेंट ऑफ डिटर्मिनेशन है ये आर स्क्वायर से डिनोट होता है, मतलब कि कॉफिशेंट ऑफ कोरिलेशन का अगर स्क्वायर कर दिया जाए तो वो आर स्क्वायर होता है। और ये हमें बेसिकली बताता क्या है? ये बताता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल में क्या वेरिएबिलिटी आई है, क्या चेंजेस आए हैं, उस चीज़ को ये क्या करता है, डिस्क्राइब्ड करता है। और इसका फॉर्मूला होता है एक्सप्लेन्ड वेरिएंस अपॉन टोटल वेरिएंस, कि इंडिपेंडेंट की वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल में क्या वेरिएशंस आई हैं, क्या चेंजेस आए हैं, क्या परसेंटेज वेरिएशन आई है डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर, किसकी वजह से, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से। यहाँ बोला हुआ है सपोज़ हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स है और डिपेंडेंट वेरिएबल वाई है, तो ये क्या एक्सप्लेन करता है, वेरिएशन को एक्सप्लेन करता है किसके अंदर, डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर। किसकी वजह से? इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से। क्लियर? आगे देखो इन्होंने क्या बताया हुआ है हमें। इन्होंने बोला हुआ है कि सिंपल रिग्रेशन मॉडल के अंदर हम इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, y इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स। तो कॉफिशेंट ऑफ डिटर्मिनेशन आर स्क्वायर कैसे हम ऑब्टेन कर सकते हैं, अगर मैं जो कोरिलेशन का जो कॉफिशेंट है इसका क्या कर दूँ, स्क्वायर कर। क्लियर हो गया? अब चलिए एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि हमारा जो कॉफिशेंट ऑफ डिटर्मिनेशन का कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो सके। तो इन्होंने हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या है, यू आर गिवन द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस ऑन एक्स एंड वाई। हमें इन्होंने एक्स एंड वाई की कुछ एक ऑब्जर्वेशंस दी हुई हैं, हम देखते हैं क्या क्या ऑब्जर्वेशंस हैं। इन्होंने बोला है एक्स का डाटा दिया हुआ है ये वाला, वाई का डाटा दिया है। बोला क्या है, पूछा क्या हुआ है कि आप लीनियर रिग्रेशन वाई ऑन एक्स यूज कीजिए, मतलब वाई ऑन एक्स निकालिए, ठीक है। एस्टिमेट दी प्रोपोर्शन ऑफ वेरियंस ऑफ वाई ड्यू टू एक्स। अब इन्होंने क्या बोला है कि आपने बताना है y ऑन x निकालना है ना, y ऑन x का क्या मतलब क्या है, कि x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। और साथ में क्या पूछा हुआ है कि x की वजह से y में क्या चेंज आ रहा है, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल जो कि y है इस क्वेश्चन के अंदर, उसमें क्या वेरिएंस आ रहा है। तो या अगर ये लाइन बोल दी है, अगर डायरेक्टली कुछ नहीं बोला, तो इसका मतलब हमने क्या निकालना है, आर स्क्वायर, दैट इज कॉफिशेंट ऑफ डिटर्मिनेशन। ऑल्सो गिव द प्रोपोर्शन ऑफ वेरिएंस ऑफ विच ऑफ वेरिएंस वाई विच इज विच रिमेन्स अनएक्सप्लेन। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। सबसे पहले तो हमें रिग्रेशन इक्वेशन वाई ऑन एक्स निकालनी है। अब वाई ऑन एक्स गर्ल्स स्टूडेंट्स इन्होंने कैसे निकाली हुई है, वाई ऑन एक्स इन्होंने हमें एक्चुअल डाटा का इस्तेमाल करके, एक्चुअल वैल्यू जो कॉफिशेंट थी ना रिग्रेशन इक्वेशन विद दी हेल्प ऑफ रिग्रेशन कॉफिशेंट, और उसमें एक्चुअल वैल्यू वाला हमने मेथड किया था, तो इन्होंने एक्चुअल वैल्यूज वाले मेथड की हेल्प से हमारे पास इन्होंने बी वाई एक्स निकाला है। तो उसका क्या फॉर्मूला होता है बी वाई एक्स को निकालने का, बी वाई एक्स को निकालने का फॉर्मूला होता है एन सिग्मा एक्स वाई, माइनस आ गया दोनों टर्म्स को अलग कर दिया, अपॉन में कौन सी टर्म आएगी, बी वाई एक्स है तो अपॉन में नीचे कौन सी आएगी टर्म्स, एक्स आएगी। तो वैल्यूज इन्होंने यहाँ पर सारी की सारी पुट की, उसके बाद रिग्रेशन इक्वेशन वाई ऑन एक्स, यहाँ से बी वाई एक्स निकाला। अब आपको पता है रिग्रेशन इक्वेशन वाई ऑन एक्स कैसे निकलती है, वाई माइनस वाई बार
रिग्रेशन कॉफिशियंट बी वाई एक्स और साथ में एक्स माइनस एक्स बार। यहाँ से हमारे पास क्या आ गई है, रिग्रेशन इक्वेशन आ गई है, कौन सी, वाई और एक्स। अब हमने क्या निकालनी है, वेरिएंस वेरिएबिलिटी चेकआउट करनी है कि वाई के अंदर कितनी आई है, किसकी वजह से, एक्स की वजह से, कि एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इस केस में, वाई डिपेंडेंट है, तो डिपेंडेंट में कितनी वेरिएबिलिटी आई है। तो उसके लिए हमें आर स्क्वायर निकालना पड़ेगा, पर आर स्क्वायर भी तभी निकाल पाएंगे जब आर होगा, दैट मीन्स कॉफिशेंट ऑफ कोरिलेशन होगा। तो कॉफिशेंट ऑफ कोरिलेशन हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, इन्होंने यहाँ पर कॉफिशेंट ऑफ कोरिलेशन को फाइंड आउट किया है कार्ल पियर्सन का एक्चुअल डाटा का जो मेथड है उसको इस्तेमाल करके, जो हमारा सेकंड थर्ड एक्सरसाइज कोरिलेशन की आती है उसके अंदर ये फॉर्मूला यूज़ है, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। अब इसका फॉर्मूला क्या है, आर इज इक्वल्स टू एन सिग्मा एक्स वाई, माइनस आ गया, दोनों टर्म्स को अलग कर देगा, अपॉन में क्या आएगा, पहले एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा, माइनस आ गया, स्क्वायर और एक्स को क्या कर देगा, अलग कर देगा, फिर ऐसे ही एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस आ गया, तो वाई और स्क्वायर को क्या कर दिया जाएगा, अलग कर दिया जाएगा। अब हमने क्या किया है, यहाँ से अपनी आर की वैल्यू निकाल ली है जो कितनी आई है 0.74, और आर स्क्वायर कितना है, आर स्क्वायर आ जाएगा 0.74। मतलब 0.74 क्या है, 0.74 हमें बता रहा है कि जो हमारी डिटर्मिनेशन है, दैट मीन्स कि वाई में मतलब कितना, सॉरी ये तो आर आ गया ना, आर स्क्वायर हमारा, मैंने गलत बोल दिया है, आर स्क्वायर हमारा आया है 0.5476, वो आर की वैल्यू थी 0.74, आर स्क्वायर आएगा 0.74 का आप स्क्वायर करोगे तो आर स्क्वायर आएगा 0.5476। अब ये चीज़ हमें क्या बता रही है, ये चीज़ हमें बता रही है कि एक्स जो यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल था उसकी वजह से वाई के अंदर क्या इफेक्ट पड़ा है, वाई के अंदर क्या चेंजेस आए हैं, वो चीज़ को क्या करता है, डिपिक्ट करता है। तो उन्होंने लास्ट पार्ट में एक हमसे एक और चीज़ पूछी थी, वो चीज़ क्या थी, वो चीज़ थी ऑल्सो गिव द प्रपोर्शन ऑफ वेरियंस ऑफ वाई विच रिमेन्स अनएक्सप्लेन्ड। एक्सप्लेन्ड तो हम कॉफिशेंट ऑफ डिटर्म, ध्यान से सुनना ये पॉइंट को, वो क्या कह रहे हैं कि जो कॉफिशेंट जो एक्सप्लेन्ड होता है, हमारा फॉर्मूला क्या था कॉफिशेंट ऑफ डिटर्मिनेशन का, एक्सप्लेन्ड वेरियंस अपॉन में टोटल वेरियंस, यही था फॉर्मूला। ये देखिए कि टोटल मतलब कि इंडिपेंडेंट की वजह से कितना एक्सप्लेन्ड हो पा रहा है। अब दो दो तरह की वेरिएशन होती है, एक होती है हमारे पास एक्सप्लेन्ड वेरिएशंस, एक होती है अनएक्सप्लेन्ड। एक्सप्लेन्ड मतलब जो तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं किसकी हेल्प से, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से कितना इफेक्ट पड़ा है डिपेंडेंट के अंदर, वो तो होती है एक्सप्लेन्ड वेरिएंस। और अनएक्सप्लेन्ड वेरिएंस होती हैं कि दूसरे फैक्टर्स की वजह से भी चेंजेस आ सकते हैं वेरिएबल के अंदर। अब इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन्ड भी पूछा, अनएक्सप्लेन्ड भी पूछा है, तो एक्सप्लेन्ड तो हमने निकाल दिया कॉफिशेंट ऑफ डिटर्मिनेशन की हेल्प से 0.5476, और अगर इसको मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करूँ बाय मल्टीप्लाइंग दिस विद 100 तो ये हमारे पास आ जाता है 54.76%। ठीक है, ये वेरिएंस तो हो गया किसकी वजह से, वाई के अंदर वेरिएंस आया है लेकिन एक्स की वजह से। अब हमारे पास टोटल वेरिएंस कितना होता है 100, 100 में से अगर मैं 54.76 का, तो मुझे पता है कि ये एक्स की वजह से हुआ है, तो जो रिमेनिंग रह गया, रिमेनिंग कितना रह गया 45.74, ये कौन सा होगा, अनएक्सप्लेन, जो कि हमें नहीं पता किसकी वजह से हुआ। तो इस वजह से इन्होंने यहाँ पर हमसे दोनों पूछे थे, एक्सप्लेन भी पूछा था और अनएक्सप्लेन भी पूछा था। ये होता है आपका कॉफिशेंट ऑफ डिटर्मिनेशन। ठीक है, अब कम टू द अनदर टॉपिक, दैट इज स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट। अब स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट क्या होता है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिकल मेजर है, किसके अंदर, रिग्रेशन एनालिसिस के अंदर। रिग्रेशन के अंदर गिवन द वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वी एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल बाय यूजिंग एस्टिमेटेड रिग्रेशन इक्वेशंस। रिग्रेशन के अंदर अगर हमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू गिवन है
तो हम डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं? कुछ भी, कई बार हमें कई क्वेश्चंस इक्वेशंस में दिया होता था कि फाइंड एक्स, मतलब आपने एक्स फाइंड आउट करना है वाई की अगर इतनी वैल्यू है, या एक्स की अगर इतनी वैल्यू है वाई फाइंड आउट करना है। आपने बहुत सारे प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर जो मैंने वीडियोस में डिस्कस किए हैं उनके अंदर आपने देखा होगा, तो हम इस तरह से एस्टिमेट कर पाते हैं। ठीक है, वो कहते हैं कि नो, अभी हमने कॉफिशेंट ऑफ डिटर्मिनेशन भी देखा कि एक्सप्लेन्ड वेरिएंस 100% नहीं हो सकता, कि जो चेंजेस है मतलब वो 100% एक्यूरेसी नहीं देते। तो आप वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट है, ठीक है, वो हमारे रिजल्ट्स की एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी को चेक करने के लिए बना है। कैसे? मतलब ये हमें ये बताता है कि आपने जो चीज़ फाइंड आउट की है कितने परसेंट एक्यूरेट है, कि जो हमने एस्टीमेट लगाया है। सपोज उन्होंने वाई की वैल्यू दी हुई थी, उन्होंने बोला कि एक्स की एस्टिमेटेड वैल्यू बताओ अगर वाई की इतनी वैल्यू है। सपोज जैसे उन्होंने बोला वाई अगर 10 है तो इसकी एक्स की एस्टिमेटेड वैल्यू बताओ इस 10 के ऊपर। वो कहते हैं हम इक्वेशन की हेल्प से क्या कर देते हैं, वैल्यू फाइंड आउट कर देते हैं, बट ज़रूरी नहीं कि वो 100% क्या हो, एक्यूरेट हो। तो वो कहते हैं कि अपनी एक्यूरेसी के लेवल को चेक करने के लिए, सपोज मेरे को ये देखना है कि 10 के ऊपर एक्स की क्या वैल्यू थी, सपोज उस पर आती है 6, तो मेरे को स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट की हेल्प से मैं ये चेक आउट कर पाऊंगी कि जो ये 6 आया है ये 6 के अंदर कितनी परसेंट एक्यूरेसी है। ठीक है, ये हमें एस्टीमेट बताता है कि जो मैंने 6 है वो कितने परसेंट ठीक निकाला है या नहीं निकाला। वो हम किसकी हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं? स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट की हेल्प से। अब स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट भी हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होते हैं वाई ऑन एक्स, इसको बोलते हैं SCYX, एक होता है स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स ऑन वाई। जैसे दो इक्वेशंस है ना हमारे पास, वाई ऑन एक्स और एक्स ऑन वाई, उसी तरह से स्टैंडर्ड एरर भी दो तरह के है, एक है स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट ऑफ वाई ऑन एक्स और दूसरा क्या है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट ऑफ एक्स ऑन वाई। चलिए अब एक्सप्लेन करते हैं इनको। देखिए स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट ऑफ वाई ऑन एक्स, इसको SYX की हेल्प से भी डिनोट किया जाता है, और तीन फॉर्मूलाज हैं। ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन के अंदर हमें किस तरह का डाटा गिवन है और हमें किस तरह का मेथड अप्लाई करना है। मैं तीनों मेथड्स के आपको एक एक क्वेश्चन इलस्ट्रेशन के तौर पर इस वीडियो के अंदर करवाऊंगी। ठीक है, अब देखिए अगर फर्स्ट फार्मूला तो दिया हुआ है कि हम स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट किस तरह से निकाल सकते हैं। हम निकाल सकते हैं अंडर रूट सिग्मा वाई माइनस वाई सी का होल स्क्वायर अपॉन एन। अब वाई सी क्या है? वाई सी है वाई की एस्टिमेटेड वैल्यूज़। अभी क्वेश्चन करवाऊंगी तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एस्टिमेटेड वैल्यूज़ मतलब कि मैं वाई की क्या निकाल लूँगी, जैसे एक्स गिवन होगा तो वाई की एस्टिमेटेड कंप्यूटेड वैल्यूज़ निकाल लूँगी, फिर उसको वाई के साथ डेविएशंस लूँगी, उसका स्क्वायर लूँगी, तो वो उसको एन से नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड करेंगे, तो एक तो इस तरह से निकल सकता है। एक हमारा SYX निकलेगा अंडर रूट सिग्मा वाई स्क्वायर। ठीक है, वाई ऑन एक्स है ना, तो ध्यान रखना ऊपर न्यूमिरेटर में वाई की ही टर्म्स आएंगी। ठीक है, तो इसमें वाई स्टैंडर्ड एरर वाई ऑन एक्स में देखो क्या आएगा, कि क्योंकि हम इसमें वाई की कंप्यूट करेंगे ना वैल्यूज, तो वाई की एक्यूरेसी को ही चेक करेंगे वाई ऑन एक्स में। एक्स ऑन वाई में एक्स की एक्यूरेसी को चेक करेंगे, इस वजह से उसमें एक्स की टर्म्स आएंगी ऊपर। अब SYX में देखो अंडर रूट सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस ए सिग्मा वाई माइनस ए सिग्मा एक्स वाई। ए आपको पता है इंटरसेप्ट होता है, और बी क्या होता है हमारा, कॉफिशेंट ऑफ रिग्रेशन, रिग्रेशन कॉफिशेंट होता है। ठीक है, या इसको स्लोप ऑफ लाइन भी बोलते हैं। और तीसरा फॉर्मूला है SYX को अगर स्टैंडर्ड डेविएशन और कॉफिशेंट ऑफ डिटर्मिनेशन, या आप कह लीजिए कॉफिशेंट ऑफ कोरिलेशन गिवन है, तो ये निकलेगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई अंडर रूट वन माइनस कॉफिशेंट ऑफ डिटर्मिनेशन, या कोरिलेशन का जो कॉफिशेंट है उसका स्क्वायर। क्लियर हो गया? अब तो ये तो थे वाई ऑन एक्स के, अब हम करते हैं एक्स ऑन वाई के। एक्स ऑन वाई कैसे डिनोट होता है? SXY। ठीक है,
अब इसके भी वही थ्री फॉर्मूलाज हैं, थ्री फॉर्मूलाज हैं, एक्स ऑन वाई है ना, तो ऊपर कौन सी टर्म आएगी, एक्स, क्योंकि हम किसके लेवल को चेक करेंगे, एक्स के एक्यूरेसी लेवल को चेक करेंगे। तो फर्स्ट फॉर्मूला हमारा बनेगा अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस एक्स सी, एक्स सी क्या है, एक्स की एस्टिमेटेड वैल्यूज हैं। एस एक्स वाई क्या आ जाएगा, अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस ए सिग्मा एक्स माइनस बी सिग्मा एक्स वाई अपॉन एन। और थर्ड फॉर्मूला होगा हम किसकी हेल्प से, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन और हमारे पास कॉफिशेंट ऑफ डिटर्मिनेशन या कॉफिशेंट ऑफ कोरिलेशन गिवन है उसकी हेल्प से। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब मैं तीनों फार्मूलाज का एक एक क्वेश्चन आपको करवा दूंगी ताकि आपके जो फार्मूलाज के कंसेप्ट हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाए कि किस तरह से फार्मूला को अप्लाई करना है क्वेश्चन के अंदर। फाइंड दी स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट ऑफ वाई ऑन एक्स एंड एक्स ऑन वाई फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। अब स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है किस किस का, वाई ऑन एक्स का भी और एक्स ऑन वाई का भी। अब देखिए वाई ऑन एक्स का सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं। अब वाई ऑन एक्स है, सबसे पहले तो आप ये चेकआउट कीजिए कि आपको चीज़ें कौन सी गिवन है। आपको आर गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, तो इट मींस आपके लिए जो लास्ट फॉर्मूला मैंने बताया था स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट को फाइंड आउट करने का, वो हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो अब देखिए स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट निकालना है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट वाई ऑन एक्स का, तो वाई ऑन एक्स में क्या आएगा, इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई अंडर रूट वन माइनस आर स्क्वायर, और एक्स वाई का क्या आएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स अंडर रूट वन माइनस आर स्क्वायर। हम क्या करेंगे, इन फॉर्मूलाज में वैल्यूज को पुट करेंगे और स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट वाई ऑन एक्स एंड एक्स ऑन वाई क्या कर लेंगे, कंप्यूट कर लेंगे। क्लियर, तो यहाँ पर y की स्टैंडर्ड डेविएशन 2.2 थी, r आपको गिवन था 0.8, इन्होंने स्क्वायर कर लिया, तो y ऑन x का स्टैंडर्ड मतलब 1.32 आया है और x ऑन y का कितना आया है 2.64। क्लियर, कम टू दी अनदर क्वेश्चन। अनदर क्वेश्चन इज फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा गिवन बिलो, हमें ना डाटा गिवन दिया हुआ है, क्या क्या डाटा है, x और y का, हमें रिग्रेशन इक्वेशन कौन सी फाइंड आउट करनी है, y ऑन x एंड ऑब्टेन द स्टैंडर्ड एरर, और एस वाई एक्स भी क्या करना है फाइंड आउट। इस तरह के क्वेश्चंस पेपर में आने के चांस हैं। सपोज आपको रिग्रेशन इक्वेशन भी बोल दे, फिर सेकंड पार्ट में कॉफिशेंट ऑफ डिटर्मिनेशन भी बोल दे, फिर थर्ड पार्ट में आपके पास स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट बोल दें, तो आपको इस तरह से प्रिपेयर करके जाने हैं। ठीक है, एंड के यू के एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने जितनी वीडियोस डाली हैं वो आपके सारे का सारा रिग्रेशन ए टू जेड क्या करती हैं, कवर करती हैं। अब देखिए कैलकुलेशन ऑफ रिग्रेशन, अब हमने दो चीज़ें निकालनी थी, कौन सी थी हमने इक्वेशन, हमने वाई ऑन एक्स निकालनी है, तो y ऑन x इन्होंने कैसे निकाली हुई है, x ऑन y, और इन्होंने हमारी डेविएशंस टेकन फ्रॉम एक्चुअल मीन का मेथड इस्तेमाल किया है। अब रिग्रेशन इक्वेशन कौन सी निकालनी है, y ऑन x, y ऑन x है तो क्या फॉर्मूला है, y ये वाला y माइनस वाई बार इज इक्वल्स टू बी एक्स, बी वाई एक्स, एक्स माइनस एक्स बार। अब इसके लिए हमारे को क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए बी वाई एक्स भी, हमें चाहिए वाई बार भी, हमें चाहिए एक्स बार भी। तो बी वाई एक्स इन्होंने देखो कैसे निकाला हुआ है, सिग्मा डेविएशन टेकन फ्रॉम एक्चुअल मीन मेथड, सबमेशन एक्स वाई अपॉन में सिग्मा स्मॉल एक्स स्क्वायर। तो आपको पता ही है स्मॉल एक्स कैसे निकलता है, स्मॉल एक्स निकलता है हमारा एक्स माइनस एक्स बार से, तो वो चीज़ कंप्यूट कर ली, फिर एक्स स्क्वायर निकाल लिया, इसी तरह से वाई वाई स्क्वायर निकाल लिया और एक्स वाई निकाल ली। यहाँ तक क्लियर, एक्स बार कैसे निकलेगा, सिग्मा एक्स बाय एन, और वाई बार कैसे निकलेगा, सिग्मा वाई बाय एन। क्लियर हो गया, यहाँ से इन्होंने वाई ऑन एक्स इक्वेशंस कंप्यूट, ये मैं डिटेल में इसलिए नहीं बता रही क्योंकि प्रीवियस वीडियोस में मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में ये एक्सप्लेन किया हुआ है। तो स्टिल अगर किसी को भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। y क्या आ जाएगी, y ऑन x इक्वेशन क्या आएगी, 11.9 माइनस 0.65x। क्लियर हो गया, अब हमें क्या निकालना है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट। अब
स्टूडेंट स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट, यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट मेथड था कंप्यूटेड वैल्यूज़ वाला, वो हम यूज़ करेंगे। अब मेरे पास एक्स की भी है, मेरे पास वाई की भी। अब वाई की कंप्यूटेड वैल्यूज़ मैं कैसे निकाल लूँगी? मैं क्या करूँगी, मेरे पास जो इक्वेशन आई थी, ठीक है ध्यान से देखिए इस स्टेप को, इक्वेशन क्या आई थी, वाई ऑन एक्स की इक्वेशन क्या आई थी, 11.9, ये तो था हमारा ए, -0.65x, और 0.6 क्या है, बी, जो कि रिग्रेशन कॉफिशेंट भी होता है और स्लोप ऑफ लाइन भी इसको बोलते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो ये एक्स था ना, इस प्लेस पर हर स्टेप के ऊपर ये वैल्यूज, पहले 6 वैल्यू पुट की तो मेरे पास वाई की कंप्यूटेड वैल्यू आई 8, फिर इस प्लेस के ऊपर मैंने 2 वैल्यू पुट की, मेरे पास आई वाई की वैल्यू 10.6, फिर इस प्लेस के ऊपर मैंने 10 पुट किया तो मेरे पास वाई की वैल्यू आई 5.4, फिर इस एक्स के ऊपर मैंने 4 पुट किया, मेरे पास वाई की वैल्यू आई 9.3, इस एक्स के ऊपर मैंने 8 पुट किया, मेरे पास वाई की वैल्यू आई 0.6.7। इस तरह से स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, वाई की कंप्यूटेड वैल्यूज़ निकालनी है। जब मैंने वाई की कंप्यूटेड वैल्यूज़, या इनको कह लीजिए एस्टिमेटेड वैल्यूज़ निकाल ली, अब मेरे को क्या करना है, मेरे को डेविएशंस लेनी है इस वाई की किसके साथ, इन कंप्यूटेड वैल्यूज़ के साथ, वाई माइनस वाई सी, मतलब कि या वन कैसे आया, 9 माइनस 8, इनको माइनस करके इज इक्वल्स टू 11 माइनस 10, 0 10.6 इज इक्वल्स टू 0.4, 5 माइनस 5.5, 4 इज इक्वल्स टू -0.4, 8 माइनस 9.3 इज इक्वल्स टू -1.3, 7 माइनस 6.7, 7 माइनस 6.7 दैट विल गिव्स यू 0.3। अब हम इन हमें क्या चाहिए, इस क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंगली इनका स्क्वायर भी चाहिए, तो वाई माइनस वाई सी का स्क्वायर करोगे, ठीक है, और इसका आप क्या लोगे, समेशन लोगे, 1 का स्क्वायर किया, 0.4 का किया, 0.4 का किया, 1.3 का किया और 0.3 का किया, फिर इनका आप क्या लेंगे, समेशन लेंगे। जब समेशन ले लिया तो आपको यहाँ पर वैल्यू क्या करनी है, पुट, और एन क्या है, नंबर ऑफ आइटम्स, एन कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, उससे डिवाइड करोगे और उसका अंडर रूट लोगे, तो ये हमारा स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट आ जाएगा। अभी तक हमने स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट के दो मेथड्स कर लिए, एक वो हमने किया है स्टैंडर्ड डेविएशन की हेल्प से, ठीक है स्टैंडर्ड डेविएशन, और दूसरा कंप्यूटेड वैल्यूज़ वाला, एक हमारा मेथड रह गया, अब हम वो करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में हमें क्या बोला है, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट ऑफ वाई ऑन एक्स फॉर द फॉलोइंग डाटा। अब इन्होंने हमें एन दिया हुआ है, हमें वाई स्क्वायर दिया हुआ है, हमें सिग्मा स्मॉल एक्स वाई दिया हुआ है, स्मॉल एक्स स्क्वायर का समेशन दिया हुआ है, और स्पेसिफिकली बोला हुआ है कि स्मॉल एक्स किसके इक्वल है, एक्स माइनस एक्स, दैट मीन्स डेविएशंस टेकन फ्रॉम एक्चुअल मीन के इक्वल है, और स्मॉल वाई किसके इक्वल है, वाई माइनस वाई बार, दैट मीन्स डेविएशंस टेकन फ्रॉम एक्चुअल मीन के इक्वल है, और स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट फाइंड आउट करना है वाई ऑन एक्स। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास जो बेस्ट सूटेबल फॉर्मूला लगता है वो स्टैंडर्ड डेविएशन वाला लगता है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई अंडर रूट 1 माइनस r स्क्वायर। अब स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन इन्होंने वही एक्चुअल मीन वाला फॉर्मूला, सिग्मेशन स्मॉल वाई स्क्वायर अपॉन एन इसका अंडर रूट, तो स्टैंडर्ड डेविएशन वाई की कितनी आ जाती है, 3, और फिर आर का भी इन्होंने कौन सा एक्चुअल डेविएशंस, कार्ल पियर्सन का एक्चुअल डेविएशंस टेकन फ्रॉम एक्चुअल मीन वाला लिया हुआ है, क्योंकि वो सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल थी, जहाँ से मैंने आर कितना निकाल लिया, 0.89। अब मेरे पास आर भी आ गया है, मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशन भी वाई की आ गई है, तो मैं क्या कर दूंगी, मैं एस वाई एक्स का कौन सा फार्मूला करूँगी, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई अंडर रूट 1 माइनस r स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज़ करूँगी। अब देखिए इन्होंने क्या किया है, वो यूज़ करके हमारे पास स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट वाई ऑन एक्स निकाल दिया है, जो कि कितना आ रहा है, 1.367। अब नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में देखिए हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है समेशन एक्स किसके इक्वल है, 15 के, समेशन वाई किसके इक्वल है, 110 के,
समेशन एक्स वाई किसके इक्वल है 400 के, समेशन एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है 250 के, समेशन वाई स्क्वायर 3200 के, और एन किसके इक्वल है 10 के। हमें क्या करना है कंप्यूट, रिग्रेशन इक्वेशन वाई ऑन एक्स निकालनी है और स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट वाई ऑन एक्स निकालना है। अब सबसे पहले तो वाई ऑन एक्स चाहिए, तो वाई ऑन एक्स की हमारी इक्वेशन होती है ये वाई माइनस वाई बार बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार। अब इन्होंने हमारे पास एक्चुअल डाटा से बी वाई एक्स निकाला है, जो हमारा फॉर्मूला था ना रिग्रेशन कोफिशेंट को फाइंड आउट करने का एक्चुअल डाटा से, उस मेथड से इन्होंने क्या निकाल लिया है बी वाई एक्स। फिर इक्वेशन देखिए इन्होंने वाई ऑन एक्स की कैसे निकाली है, 9.450 प्लस 1.033 आ गया। अब स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट का जो हमारा मिडल वाला फार्मूला था, अब हम वो इस्तेमाल करेंगे। अब वो फार्मूला ध्यान से देखिए क्या कहता है, वो फार्मूला हमें बोलता है एंड अब वाई ऑन एक्स है ना, तो ऊपर वाई की टर्म सारी आएंगी, समेशन वाई स्क्वायर आएगा, फिर ए समेशन वाई माइनस बी समेशन एक्स वाई अपॉन एन। अब देखिए समेशन वाई स्क्वायर क्या आएगा, वाई स्क्वायर देखिए ऊपर क्वेश्चन में गिवन होगा, वाई स्क्वायर हमारा है 3200, तो हमने 3200 यहाँ पर क्या कर दिया, पुट कर दिया। अब ए क्या है, ए होता है हमारा इंटरसेप्ट, तो 9.45 था ना जीरो, इन्होंने यहाँ पर इंटरसेप्ट ये लिया, ठीक है, और समेशन वाई ऊपर क्वेश्चन में गिवन है। बी क्या लिया, रिग्रेशन कॉफिशेंट, ये चीज़ एक्सप्लेन करनी थी, और एक्स वाई ऊपर क्वेश्चन में गिवन है 400 अपॉन एन क्या है नंबर ऑफ आइटम्स। जब ये वैल्यूज पुट की, दैट मींस यहाँ पर इंटरसेप्ट और स्लोप ऑफ लाइन या रिग्रेशन कॉफिशेंट की बस एक्स्ट्रा वैल्यूज पुट आएंगी, ठीक है, और वैल्यूज को पुट करके जो हमारा स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट है कितना आ रहा है वाई ऑन एक्स का 13.21। तो ये था हमारा टॉपिक इसका, स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट का और कॉफिशेंट ऑफ डिटर्मिनेशन का। इसके साथ ही हमारा रिग्रेशन चैप्टर कंप्लीट होता है। हमने मैक्सिमम सारे के सारे कंसेप्ट जो हमारे ग्रेजुएशन के अंदर KUK यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी के अंदर टॉपिक्स कवर होते आते हैं, वो हमने सारे अपने वीडियो लेक्चर्स के अंदर कवर कर लिए हैं। आप स्टार्टिंग से सारी वीडियोस देखिए, और स्टिल अगर किसी को किसी भी तरह का डाउट है, प्रॉब्लम आ रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके डाउट अपना ले सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन हैप्पी लर्निंग, कीप रिवाइजिंग एंड गुड लक फॉर योर कमिंग एग्जाम्स।